आज पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है कि जब हम किसी मेहमान के घर जाते हैं, मेहमान अंदर गया होता है और हमें पता नहीं होता है कि वो हमारे लिए खाने को कुछ लाएगा कि नहीं लाएगा। वो जो सिचुएशन होती है ना कि हमें पता ही नहीं होता है कि अगले पल क्या होने वाला है, हमें अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा या दुरत्ती पड़ जाएगी, वही वाली सिचुएशन इस समय पाकिस्तान के साथ है। दरअसल जो स्कोर पाकिस्तान ने बनाया है वो ऐसा नहीं है कि बुरा है, वो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर है। मतलब उस स्कोर के ऊपर अगर पाकिस्तान के बोलर्स थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म कर गए ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप में 260 रन से ज्यादा का स्कोर सिर्फ एक ही बार चेज किया है, और वो किया है 2011 के वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट, नागपुर में वो मैच हुआ था। तो यहां पर हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि भाई एक पाकिस्तान के पास हो सकता है एक चांस बन जाए, लेकिन वो टोटली डिपेंड करेगा उनके बोलर्स के ऊपर। यहां पर पाकिस्तान ने एक कॉम्पिटेटिव स्कोर खड़ा किया, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा स्कोर है, बट हाँ एक ऐसा स्कोर है जिसके ऊपर आप एक मैच बना सकते हैं। बट इट विल अगेन आई विल से इट विल डिपेंड अपॉन योर बोलर्स। तो इस समय पाकिस्तान के फैंस की स्थिति कुछ यूं है कि टीम ने ठीक ठाक स्कोर बना दिए जिसके ऊपर आप उनको गाली भी नहीं दे सकते लेकिन खुश भी नहीं हो सकते। बस आप उंगलियों को क्रॉस करके बैठ सकते हो कि भैया आने वाले समय में जो हमारे बोलर्स हैं वो थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन कर लें। सांस लेने वाली बात यह है कि पिछले मैच का सबसे बेहतरीन बॉलर हसन अली इस मैच में नहीं खेल रहा है। वसीम जूनियर को इस मैच में इंक्लूड किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अब इन सब चीजों के बीच में मुझको देखना है कि हारिस रऊफ कैसी बॉलिंग करता है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप बॉलिंग करने वाले हो, वो साउथ अफ्रीका जो कि इस वर्ल्ड कप में 3 से भी ज्यादा बार 350 से ज्यादा रन का स्कोर ठोक चुकी है, तो उसके सामने 270 रन मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ है। तो ऐसे में हारिस रऊफ जो कि इस समय मुझे ऐसा लग रहा है अपने कॉन्फिडेंस के सबसे लो लेवल पर चल रहा है, उसके लिए यह मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पिछले मैचों में जैसे इसको पिटाई पड़ी है ना, वो वाकई में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। खैर, इस मैच के अगर हम स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो भाई आज जबरदस्ती के किंग बनाए हुए बाबर आजम ने एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए 50 रन तो बना लिए। 65 बॉलों में टुकटुकाते हुए इनिंग को संभालते हुए भाई साहब ने 50 रन बनाए, लेकिन जैसे ही 50 रन बनाए एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए भाई साहब आउट हो गए। क्या बोलते, उस समय पर टीम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मतलब मैं आपको समझा दूं इस तरीके से कि 141 पर इनके 5 विकेट गिर चुके थे। उस सिचुएशन में तो लग रहा था कि ये 200 रन बना ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर उसके बाद में साउथ शकील, जिसको कि मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तिखार की जगह पर अगर भेजा होता तो ज्यादा सही होता, पर उस समय इफ्तिखार अहमद को शायद इसीलिए भेजा गया था कि वो थोड़े स्कोरिंग रेट को बढ़ाएगा, क्योंकि वो तेज खेलने के लिए जाना जाता है, इनिंग को बनाने के लिए वो नहीं जाना जाता इफ्तिखार। लेकिन इफ्तिखार जैसा कि था आगे बढ़कर मारने के चक्कर में आउट हो गया। साउथ शकील ने उसके बाद बढ़िया खेला, 52 बॉलों में 52 रन बनाए 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। एंड सरप्राइजिंगली शादाब खान ने बहुत अच्छा खेला, शादाब खान ने 36 बॉल में 43 रन बनाए, और उसके बाद मोहम्मद नवाज ने भी 24 पर 24 बनाए। तो इन तीनों ने ऑलमोस्ट 110-120 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब देखिए इस सिचुएशन से क्या होता है ना कि पाकिस्तान ने जो 145 पर 5 वाली कंडीशन से वापसी करी, अगर पाकिस्तान उस मोमेंटम को मेंटेन कर लेता है तो वही मोमेंटम आपको इनकी बॉलिंग में इनकी फील्डिंग में भी दिखाई देगा। लेकिन अगर ये पिछले मैच के माइंडसेट से ही उतरे तो फिर इनका गेम खत्म है बॉस, मतलब आप फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस सिचुएशन से पाकिस्तान को निकलने में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही मदद कर सकता है और कोई नहीं। और वैसे भी ये मैच डिसाइड करेगा कि ये लाहौर के बस स्टैंड पर खड़े हुए दिखेंगे वर्ल्ड कप खत्म होने के पहले या नहीं, क्योंकि ये मैच इनके लिए डू एंड डाई है। मतलब इस मैच को जीतने के बाद भी हर मैच डू और डाई है, लेकिन ये मैच तो इनके लिए है ही सही, डू एंड डाई नहीं डू और डाई। बाद में ट्रोल मत करना कमेंट सेक्शन में। तो मुद्दा यह है कि पाकिस्तान को यह मैच किसी भी हालत में जीतना है। टॉस जीतकर इन लोगों ने पहली बैटिंग ही इसलिए चुनी क्योंकि बाबर आजम नहीं चाहता था कि उसको 400 रन चेज करना पड़े। भाई साउथ अफ्रीका जब पहले खेलने उतर रहा है वो बिल्कुल कूट के जा रहा है। अब यहां पर अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो यार साउथ अफ्रीका की जो टीम है ना यार वो भरी पड़ी हुई है अच्छे बैट्समैन से। लिटरली यहां पर एक के बाद एक अच्छे बैट्समैन भरे हुए हैं। क्विंटन डिकॉक सबसे ऊपर से ही मारना शुरू कर देता है। टंडा बबूमा के ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, लेकिन डिकॉक फुल फॉर्म में है। इसके बाद वैंडर डिसन के बारे में भी क्या बोले, वो भी बढ़िया फॉर्म में है। माकरम बढ़िया खेल रहा है, वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी उसने मारी है। क्लासिन के बारे में तो बहुत क्या ही बोलूं, मतलब हर एक बैट्समैन मार्को जेंसन तक सबको ही खेल रहा है। तो साउथ अफ्रीका इस समय काफी बड़ा चैलेंज लेकर उतरने वाली है और बाबर आजम के खिलाड़ियों के सामने इस समय एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। और बाबर आजम वैसे भी क्योंकि सामने से लीड नहीं कर पा रहे हैं ना बैटिंग में ना फील्डिंग में, तो इसीलिए उनके ऊपर और थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर है। उनके देश में उनकी कप्तानी के ऊपर काफी हल्ला हो रहा है, विदेशों में कप्तानी के ऊपर हल्ला हो रहा है, बोला जा रहा है कि ये सिर्फ रैंकिंग के लिए रन बनाता है। तो बाबर आजम के खुद के ऊपर भी काफी सवाल या निशान लग रहे हैं। ऐसे में बाबर आजम का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब इस प्रेशर क्रंच सिचुएशन में कैसे पाकिस्तान की टीम खेलती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑल आउट होकर इन लोगों ने वैसे भी अपने नेट रन रेट का कबाड़ा कर लिया है, क्योंकि 50 ओवर भी नहीं खेल पा रहे हो आप, और जो ह्यूमिलेशन हो रहा है इनके फैंस का वो अलग है।
रोज उठो पाकिस्तान को हारते हुए देखो और सो जाओ। तो इसीलिए देखना होगा कि ये मैच कैसे होता है। और अगर एक और चीज बता दूं कि मैं क्यों चाहूंगा कि ये मैच पाकिस्तान जीते, अगर ये मैच पाकिस्तान हार गया ना तो आने वाले जितने अच्छे मैचेस होने हैं, चाहे आप वो इंडिया साउथ अफ्रीका का कर लो, इंडिया इंग्लैंड का कर लो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का कर लो, ये सारे मैचेस कहीं ना कहीं नलीफाई हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की 3 से 4 टॉप टीमें ना कंफर्म हो जाएंगी अगर आज का मैच साउथ अफ्रीका जीतता है तो। इंडिया अंदर, साउथ अफ्रीका अंदर, न्यूजीलैंड भी ऑलमोस्ट अंदर, और ऑस्ट्रेलिया पक्का हो जाएगा, ये 4 टीमें फाइनल हो जाएंगी। इसीलिए आज का मैच इसीलिए पाकिस्तान को जीतना जरूरी है जिससे कि वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग बना रहा है। आधा अभी भी करीब करीब 15 से 20 मैच बचे हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, तो इसीलिए देखते हैं अब इस मैच में क्या होता है। बाकी मैच के बाद में मिलेंगे ही बात करने के लिए, तब और विस्तार में बात करेंगे इस मैच के बारे में। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।